रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ते। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम बालौ महाशाचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिना नाम गरल्यम सकल गुण निधानम बाणा नामधीशम रघुपति प्रेवक्तम बात जाताम नमामि। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिधर्या नगयम। वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोके नाथम। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, पौर्णसुत हनुमान की जय, उमापत भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। आदरणीय इस राष्ट्रीय आध्यात्मिक मन से जुड़े हुए सभी वक्तागण श्रोतागण और मातृ शक्ति माताएं बहनें सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आदरणीय श्री जी एस पटेल सर जो हैं उनको प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से ये रामचित मानस का जो अमृत रस सभी पान कर रहे हैं और इसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस मंच से हमें कुछ कहने को अवसर मिला है। इसके पहले कि मैं अपने मुख्य प्रसंग पर बात करूं, मैं इसके पूर्व प्रसंग पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। भगवान राम जानकी का पुष्पों से श्रृंगार करते हैं, तभी इंद्रपुर पुत्र जयंत की पत्नी उनके सम्मुख नृत्य करती है। जयंत पत्नी द्वारा प्रभु की नर लीला की बात सुन जयंत कौवा का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मारता है। श्री राम उसे बाण मारते हैं। वह भागता हुआ अपने जान की रक्षा के लिए इंद्र के पास जाता है। इंद्र ने उसे मना कर दिया। इंद्र उसे ऐसा लगते हैं जैसे कोई यमराज हो और माता ने उसे माता मृत्यु के समान दिखाई पड़ रही। फिर वो ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मा जी ने भी उसे मना कर दिया, क्योंकि जो भगवान राम का शत्रु है उसे कौन अपने पास रख सकता है। फिर शिवलोक भगवान शंकर के पास जाता, उन्होंने भी उसे मना कर दिया। उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा और शरण देने की बहुत दूर की बात थी। अब जयंत बहुत दुखी है, विकल हो गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं। नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चिंता। मठवात तुरंत राम पहिता ही कैसे पुकारि प्रत हित पाही। संत का हृदय बड़े दयाल हो, वे करुणामय होते हैं। जब देखा ये बहुत विकल है तो कहता है, नारद जी ने कहा तुम कहीं मत जाओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान राम के शत्रु के ले सत्ता करे। तुम उनके शत्रु हो इसलिए
उनके शरण में जाओ और अपने जीवन की रक्षा मांगो, वही तुम्हें रक्षा दे सकते हैं। फिर वह भगवान के शरण में आता है, जहाँ भगवान करुणामयी दया के सागर श्री राम ने उसको कृपा किया, उसके एक आंख को, एक आंख से उसे अंधा कर दिया, अर्थात एक आंख से काना बना दिया और उसे छोड़ दिया। फिर प्रभु उसके बाद अति ऋषि के यहाँ जाते हैं, जहाँ माता अनुसुईया ने सीता माता को स्त्री धर्म का उपदेश देती हैं और उन्हें बहुत सारे वस्त्र भी देती हैं। फिर अति ऋषि के से होते हुए आगे वो जाते हैं अगस्त ऋषि के पास, जहाँ से वो उनका आशीर्वाद लेकर के वो पंचवटी पहुँचते हैं। पंचवटी पहुँचने के बाद माता भगवान राम ने जब देखा कि लक्ष्मण भोजन के लिए आहार लेने गया है, तब उन्होंने माता से कहा, लक्ष्मण उस समय जंगल में नहीं थे, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फलकंद, जब मूल फल कंद लेने गए तो भगवान राम ने माता सीता से कहा, जनक सुतासन बोले भीषी कृपा सुगन, उनसे कहा सीते सुनो सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब मैं कुछ ललित लीला, ये मानव का कुछ लीला करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस लिए जन्म लिया हूँ, जिस लिए संसार में आया हूँ, अब उस समय आ गया है कि मैं राक्षसों का वध करूँ। तुम पावक मोह करो निवासा, जव लगे करो निशाचर नाशा, तुम अग्नि में प्रवेश करो तब तक जब तक मैं इस राक्षसों का वध नहीं करता, क्योंकि मेरा जन्म इन्हीं के लिए हुआ है। प्रभुपद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित हैं सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। सीता जी को जैसे प्रभु ने समझाया ठीक उसी प्रकार से प्रभु के चरणों को हृदय में रख करके माता सीता और अपने प्रतिबिंब को रख करके और अग्नि में प्रवेश कर लिया और उनका अपना छाया मूर्त वहां रख दी, जिनकी जैसे शील स्वभाव रूप ओली तथा वैसे विनम्र थी। फिर स्वप्नरेखा आती है, जो भगवान राम के रूप को देख करके मोहित हो जाती है और उनसे अनुनय विनय करते है कि मुझसे विवाह कर लो, विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन प्रभु ने मना कर दिया और लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट कर नाक और कान काट देते हैं। फिर वह जाती है खरदूषण के पास, जो खरदूषण भगवान राम से युद्ध करता है और 14,000 सैनिकों के साथ आता है, लेकिन वह युद्ध में मारा जाता है खरदूषण और तीसरा सबका वध हो जाता है। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण के पास जाकर के उनसे अनुनय विनय करती है कि ए देखो अयोध्या के दो राजकुमार आए हुए हैं, जिन्होंने मेरा यह दशा कर दिया है। उसने कहा तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई, खरदूषण मनसो अनंता, वो मेरे समान बलवान है। उसने कहा दोनों राजकुमारों ने खरदूषण और तीसरा का वध कर दिया। फिर तो लंका का राजा रावण फिर अपने मामा मारिच को भेजता है प्रभु के यहाँ और मृग बना करके, जो सोने का मृग बनकर आते हैं, और जब सीता जी देखती हैं तो मुग्ध हो जाती है और भगवान राम को उसका आखिर करने के लिए कहती हैं। फिर जब भगवान राम मारिच को बाण मारते हैं तो सीता जी लक्ष्मण जी को भेज देती हैं, लक्ष्मण जी चले जाते हैं। इसके बाद रावण साधु का वेश बना करके छल से माता सीता का अपहरण कर लेता है और जटायु माँ बचाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके पंख काट देता है और फिर जटायु भी घायल हो जाता है और माँ सीता को लेकर चला जाता है। अब मैं अपने मुख्य प्रसंग में आ रहा हूँ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे लता हे पता। चली हाँ।
खोजते फिर रहे उसको हो कर विकल। हे लता हे पता मुझको ए तो बता, छोड़ मह लो की सुख वो चली है कहाँ। हे मेरी जान की हो गई तुम कहाँ, खोजते फिर रहे हो कर विकल। हे मेरी जान की हो गई तुम कहाँ, खोजते फिर रहे तुझको हो कर विकल। इस तरह राम रो रो के बन में, इस तरह राम रो रो के बन में, करते ली ला है मानव के तन में, करते ली ला है मानव के तन में। आगे जैसे बड़े दिख जटायु पड़े, आगे जैसे बड़े दिख जटायु पड़े, सब समाचार सी ताक देते रहे, सब समाचार सी ताक देते रहे। सुन के राघव की आंखें हुई हैं सजल, सुन के राघव की आंखें हुई हैं सजल, सब समाचार सी ताक देते रहे। सुन के राघव की आंखें हुई हैं सजल, सुन के आ राघव की आंखें हुई हैं सजल। हे मेरी जान की हो गई तुम कहाँ, हे मेरी जान की हो गई तुम कहाँ, खोजते फिर रहे तुझको हो कर विकल। खोजते फिर रहे तुझको हो कर विकल, हे मेरी जान की। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्याकुल हो भगवान श्री राम सीता जी को बन बन ढूंढते हैं, फिर रहे वो पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछते हैं, कहते हैं पक्षियों हे पशुओं हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहीं विभिन्न सीता को देखा। भगवान राम सीता के लिए जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई आते हैं और आश्रम में सीता को न देख करके, तो वो भयभीत हो जाते हैं और कर्ण कंधा करना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं और सीता को ढूंढने लग जाते हैं। और सीता के लिए कहते हैं उनको वो दिन सब याद आ रहा है जिस दिन जब उनका माता सीता के साथ वन में रहते थे, और कहते हैं हा गुण खान जानकी सीता रूपशील बतने में पुनीता, हे विलाप करने लगे और कहते हैं हे गुणों के खान जानकी हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते तुम कहाँ हो। लक्ष्मण समझाए बहु भाती उसे चले लता तौर पाती, लक्ष्मण जी उन्हें बहुत ना समझा रहे लेकिन भगवान का करुण कंदन करुणा बंद नहीं हो रहा। कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुत तपोत मृग बीना मधुकर निकर कोकिला प्रवीणा। हे वृक्षों हे पंक्तियों से पूछते हैं हे पशुओं हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहे मृग नैनी सीता को देखा है, क्योंकि सीता का नेत्र मृगनी के साथ, मृग के साथ था, मृग नैनी हिरणियों के साथ था, और हिरणियों को देखकर सीता को के नेत्रों की याद आती है, और हिरणियों की जो वहां पर भौरे गुंजार कर रहे हैं उनको देखकर गुनगुन की याद आती है, चिड़ियों के चहचहाट से माता सीता की बाणी की याद आती है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामनी कमल शरद रसी शशि अहि भामनी, वरुण पाश मनोज धनुहंसा गज कीहर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही नेकुन सकुच मन माही, सुन जानकी तू ही बिन आजू हर से सकल पाए जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है, सुनो तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज्य पा गए हूँ, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित महसूस कर रहे हैं। आज तुम्हें देख करके ये अपने शोभा के
अभिमान में फूल रहे हैं। अर्थात ये सीते आज तुमको न पा करके ये लोग बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारे अंगों के सामने, जो ये सुंदर अंगों के सामने ये सब लज्जित थे, आज तुमने देखकर अपनी शोभा के लिए अभिमान में फूल रहे हैं। किम से ही जात अनक तुम पाही, प्रिय बेगी प्रदर्श कसिनाही, यही बिज खोजत बिलप स्वामी, मनो महाविरही अतिकामी। तुमसे अनक, अनक कर सकता स्पर्शा, कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती, अर्थात तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों की अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीतपति देखा सुमृत रामचंद्र ने देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चेत कर रहे हैं। आगे जाने पर गीतपति जटायु पड़ा देखा वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। श्री सीता जी के अपहरण के पश्चात प्रभु राम वन में लक्ष्मण के साथ भटकते हुए सीता की खोज करते हुए व्याकुल हो जाते हैं। विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि पत्नी सीता के विरह में उन्हें सब रोता देख सकते हैं, परंतु उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ ये प्रदर्शित किया गया है कि भले ही राम ही क्यों न हो, परंतु मोह में पड़ जाने पर व्यक्ति क्या दशा होती है। जब भगवान राम की हालत है, साधारण पुरुष की अवकात ही क्या है, अर्थात साधारण पुरुष क्या कर सकता है, भगवान राम तो ब्रह्म है। तुलसीदास जी यहाँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार सागर में प्रत्येक जीव मोह माया में उलझा हुआ है। माया माया क्या है? माया पत्नी पुत्र संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान अपमान आदि के रूप में धारण कर जीव को अपने मूल स्वरूप को पहचानने नहीं देता, अर्थात माया जीव को असली रूप को पहचानने नहीं देता, अर्थात लोग माया में भटकते रहते हैं। जब तक व्यक्ति इस भ्रम में पड़ा रहेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, और माया से बचने का केवल एक ही तरीका है कि प्रभु के शरण में जाइए और प्रभु को शरणागत हो जाइए, क्योंकि प्रभु ही बचा सकते हैं। माया किसी से नहीं डरती, यह केवल भक्ति से डरती है, और भक्त कब आएगा? प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ही, प्रभु की अनुकंपा से ही आप माया से मुक्त पा सकते हैं, और जब तक माया से मुक्त नहीं मिलेगी तब तक भव सागर से आप पार नहीं सकते। माया माया क्या है? माया शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचार में परिवर्तन के साथ शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब हम इसे चकित कर देने वाली घटना को देखते हैं तो उसे ईश्वर की माया कह देते हैं। यह माया का अर्थ शक्ति जादू शक्ति से, शक्ति अर्थात पावर से है। जादूगर अपनी चतुराई से पदार्थों को विपरीत रूप में दिखाता है, पदार्थों के अभाव में भी उन्हें दिखा देता है, यह उसका माया है। यह माया का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। माया कोई ऐसा कार्य या बात जो वास्तविक या सत्य न रहने पर भी सत्य और ठीक जान पड़े वही माया है। माया को देवी लक्ष्मी धन अवास्तविकता करुणा सहानुभूति एक असत्य या भ्रामक छवि बुद्धि प्रकृति स्नेह लक्ष्मी कला आदि नामों से जाना जाता है। माया ब्रह्मांड की प्रपंचकारिणी शक्ति है। माया महाठगनी हम जाने, इसको महाठगनी कहा गया है। माया के दो रूप होते हैं विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, जीव भटकता रहता है और जीव को मुक्त नहीं मिलती। लेकिन दूसरी माया जो है विद्या रूपी माया हो जन्म के चक्कर से बचाती है। माया ब्रह्म की प्रपंच कारणी शक्ति है, जिसके द्वारा इस दृश्य जगत का निर्माण और
संरक्षण होता है। माया का स्वामी होने के कारण ही ईश्वर को मायापति कहा गया है। एक पक्ष यह भी है कि सीता पंचवटी आश्रम में बहुत समय तक रही, प्रभु राम के आश्रम में सभी पशु पक्षी आपस का बैर भाव भुला कर रहते थे। माँ जानकी उन सभी पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करती थी और वे भी उसे बहुत प्रेम करते थे। यह कारण है कि राम उनसे उनका पता पूछ रहे हैं। और दूसरा पक्ष यह भी है, सत रज तम तीनों ही गुण भगवान की कृति है, अतः प्रभु राम इस धरा पर मानव के रूप में अवतार लिए हैं और अत्यधिक अपने सामर्थ्य व ऐश्वर्यता को प्रकट न करके मानव की भांति असहाय और उन्हीं की भांति व्यवहार व चेष्टा करते जिनसे मानव उनसे सीख ले और अनुकरण करे। अतः खग मृग व मधुकर को उनकी योनियों से न देखकर उनके तत्व प्रतिपादक के रूप में ली जाए। तो प्रभु श्री राम प्रथम खग से पूछते हैं, तो खग वायु का आश्रय लेता है और उचिता प्राप्त करता है। भोजन की व्यवस्था ये उसकी भूमि पर लाती है, अतः उचिता को यहाँ अभिमान के रूप में लिया जाए। और अभिमान अर्थात तामस है। हम जानते हैं कि पक्षी सर्वहारी होता है, उन्नत व अनादि व कीट पतंगा भी भक्षण करते हैं, अतः खग अर्थात तमोगुण है। प्रभु पुनः मृग से पूछते हैं, इसे सात्विक रूप में लिया जाए। मृग निरीह व शाकाहारी होते हैं, केवल तृण व पत्र के आश्रय से जीते हैं, अपने जीवन काल में किसी का अहित नहीं करते, अभी अपने चर्म की उपयोगिता के लिए मारे भी जाते हैं। अतः मृग का स्वभाव साधु का हुआ। परोपकारी मरकर भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, अतः मृग अर्थात सतोगुण है। इसके बाद प्रभु राम मधुकर अर्थात धनुष पूछते हैं, इसे राजस गुण में लिया जाए, क्योंकि भौरे मधु के निर्माता और संग्राहक हैं। मधु राशिक व ऐश्वर्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, अतः मधु अर्थात रजोगुण। इस प्रकार भगवान राम सत्य रज तम तीनों योनियों से अर्थात जीवों से सहायता मांगते हैं, क्योंकि सभी उनके अपने हैं। भगवान की समदिष्ट का होना भी यहाँ सिद्ध होता है कि खग अर्थात तामस, तामस अर्थात राक्षस, अर्थात राक्षसों से भी भगवान पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कदापि अपना शत्रु नहीं मानता, अभी स्वजन जानकर ही पूछ रहा हूँ। और भविष्य में भगवान को राक्षसों का भी सहयोग मिला जो विभीषण के रूप में था। मृग अर्थात तपस्वी या भक्त, भगवान ने भक्तों से सहायता लिया, जो कि यह सिद्ध करता है कि भक्तों के सहयोग के बिना मेरा लीला कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शबरी रूपी भक्ति या महा तपस्विनी रूप में सहयोग प्राप्त किया। मधुकर अर्थात राजस अर्थात राजपुरुष जो शबरी के रूप में मिला। भगवान अपने लीला अवतार में प्रत्येक कार्य में सबको सम्मिलित करके अपना कार्य संपादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने पक्षी भौरा अमृत इन अविवेकी जीवों से नहीं पूछा। अभी मृग भौरा पक्षी रूपी सत्य रज व तम में उत्पन्न हुए प्रकृति के सांसारिक जीवों से पूछा, वो सहायता मांगे। इसमें श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता, अस्थायी भाव रति है, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संजोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संजोग श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहां नायक नायिका का मिलन होता है, आमने सामने बैठ के वार्तालाप, जहां प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे श्री सुंदर मंदिर माई, गावत गीत सबे मेरे सुंदर वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहार से जानकी कंकन के नग की परछाई, याति सब सिद्ध भूल गई करिटे करही पल तारत नहीं।
ये बहुत ही मजल श्रृंगार है। दूसरा आता वियोग श्रृंगार रस, वियोग अर्थ होता बिछुड़ना, अलग हो जाना, और इसको वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार रस भी कहते हैं। जब कृष्ण को गोपियां उलाहना देती हैं उसी को हम विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ पर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता देखने, वियोग श्रृंगार है। और आलम मन राम जी हैं, अस्थाई भव रथ, रथ का अर्थ होता है प्रेम, संचारी भाव आवेग उन्माद, उद्दीप उद्दीपन क्या है मोहक रित, सीता का वियोग अनुभव का पश 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 और पक्षियों से पूछना। यहाँ भगवान ने पश पक्षियों से पूछा, हे लता हे डालियों हे पेड़ पौधे, मृग जैसी नित्य वाली सीता को देख रही हैं, हड्डियों को देखकर उन्हें याद आता है, और पक्षियों की चहचहाट से सीता की वाणी क्या जाती है, घोड़ों की गुंजार से सीता की गुनगुन क्या जाती है, और जंगल में कहते हैं चीते सीते सीते, तो आवाज टकरा कर वापस आती है। वियोग का क्षण ऐतिहासिक क्षण होता है, मिलन में प्रसन्नता और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वियोग दुख करुणा और आंसू देखता है। वियोग में वेदना होती है और वेदना का वर्णन नहीं हो सकता, इसे तो एहसास किया जा सकता है, इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, वो शब्दातीत होता है, वाणी मौन हो जाती है, आंखों में अश्रुओं की अविरल धारा बहती है। एक अंग्रेज राइटर किट्स ने लिखा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैड थॉट, अर्थात जो दुख की असीम होती है पराकाष्ठा होती है वो हमारा मधुर गीत है। आगे भगवान ने जब गिद्ध को देखा तो उस पर सिर पर हाथ रखते ही और भगवान का मुख देखते ही गिद्ध को उसका कष्ट जाता रहा, जटायु का कष्ट दूर हो गया, और भगवान ने उसका सब काम अपने हाथों से किया। परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछु नाही, जटायु ने माता सीता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो परहित बस जिनके मन में है, जिनके हित में मन में दूसरों की भलाई का है, वो संसार में सबसे बड़ा है, और उसे संसार में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। तन तज तात जाहु मम धामा, जाहु काहु तुम पूर्ण कामा, तुम्हारा काम मेरे अपना शरीर तज करके ये तुम तात मेरे धाम में चले जाओ। और उन्होंने अनुरोध किया जटायु से, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाय, जो मैं राम त कुल सहित कहें दसानन जाए, आप मेरे पिताजी से कुछ मत बताना, नहीं तो मुझ पर गुस्सा करें क्रोध करेंगे, उसने पत्नी को संभाल नहीं पाया और उन्हें बहुत दुख होगा। हर पिता को दुख होता है कि अगर उसका पुत्र पुत्र वधु को नहीं रक्षा कर सकता, अगर मैं राम हूं तो मैं रावण के कुल सहित उसको भेज दूंगा, जाकर सारा समाचार सुनाया। गीत देहि तज धीर हरि रूपा, भूषण गोपति अनुपा, श्याम गात विशाल भुज तारी, तुत करत नैन भरि बारी। जटायु ने गीत का देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर करके वह अचित कर रहा है। अविरल भगत मांगी बर गीत गयु हरिधाम, तें के क्रिया यथोचित निज करे इन्हीं राम। और उसने अविरल भक्त मांगी जो कि बहुत कम है। और फिर भगवान राम ने उसके अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो पिछे अनुरागी। वे लोग अभागी लोग, अभागी लोग हैं जो प्रभु राम को तज करके विषय को अनुराग करते हैं, उनका अनुराग विषय में होता है। पुन सीते खोजित दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई। और फिर दोनों भाई खोजते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें शबरी शबरी मिलती है और शबरी का आश्रम में जाते हैं। शबरी देख करके बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसे गुरुदेव की याद आती है, जिस गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें प्रभु राम का दर्शन होगा। आज वो भाव विह्वल हो गई और खुशी से राम लक्ष्मण के पैर पड़ के रोने लगती। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखान। प्रभु राम ने उसको बार बार के प्रशंसा करके तो खाए।
और फिर उन्होंने जब पूछा, माता सीता के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? तो उसने कहा, पंपासरी जाओ रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। सो सब कह हुई देव रघुबीर, कहें देव रघुबीरा जानत पूछे धीरा। और भगवान आगे बढ़ते, जब आगे चढ़ते हैं तो हमें देख मृग निकर पराए, मृगी कहें तुम कहाँ भय नाही, तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए। और वहां पर जो मृगी है अपने मृग से कहती है, तुम लोग क्यों भागते हो? वो सब झुंड के झुंड भागने लगे जंगल में भगवान राम लक्ष्मण को देखकर, कहते हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरणिया उनसे कहती है, तुम भय नहीं करो, तुम मत भागो, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद से रहो, ये तो राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं। अर्थात यहाँ हिरणियों ने भी भगवान राम पर व्यंग किया है। विरह विकल बलहीन मोह जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीने बगमेल। भगवान कहते मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और कमजोर समझ करके, बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। बहुत समय पहले जब एक बार चितादुर्ग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगजननी भवानी सती भी गई थी। अगस्त जी ने शिव जी की पूजा करके राम कथा शिव जी को और माँ सती को विस्तार सुनाई थी। जब शिव जी वो सती के साथ घर कैलाश की ओर दंडक पर होते हुए जा रहे थे, उसी वन में श्री राम सीता को ढूंढ रहे थे। तब भगवान शिव ने तपस्वी वेश में श्री राम को दंडक वन में माँ सीता को खोजते देखकर उन्होंने दूर से श्री राम को सच्चिदानंद परम धाम करके प्रणाम किया। सती को शंका उत्पन्न होगी, माँ सोचने लगी, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित, जिसे वेद भी नहीं जानती, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपत असुरों के शत्रु, भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह चित्ते को खोज देंगे? भवानी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया। शिव जी, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी मत रखना, ये वही प्रभु हैं ब्रह्म पर जिनकी तुम कथा सुनती हो। फिर शिव जी बोले, हे सती सुनो, ज्ञानी मुनियों और योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से ध्यान करते हैं, और तथा वेद पुराण और शास्त्र को नित कहकर जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप श्री भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए ये अवतार लिए, रघुकुल में अवतार लिए हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत तरह से समझाया, सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने भगवान की माया बल जान करके मुस्काते बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। सती, अगर तुम्हारे मन में अब भी संदेह है तो जाकर भगवान की परीक्षा लो। जब भगवान शंकर ने प्रभु राम को प्रणाम किया, तो हर पत्नी को जब उसका पति प्रणाम करता तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ सती जी ने नहीं किया, उन्हें शंका हो गया। तब लगे बैठे अहं बट छाही, जब लग तुम यूं मुंह ही पाही, और जब तक तुम नहीं आओगी मैं बट दृष्ट के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ, और आप सभी संतों सभी महात्माओं को सभी ज्ञानियों को प्रणाम करता हूँ। तुलसियापति रामचंद्र की जय।